के लिए 25x15 की अब इसको खिलाओ, अब इधर दिखाते हैं। सबका स्वाद है इसमें अच्छा लगता है। ये 20 रुपए वाले मटका, मटका अच्छा अच्छा। तो सबसे ज्यादा कौन सी आइसक्रीम बिकती है आपके यहाँ पे? हमारी ये 20 रुपए वाली कोन होगी और चोकोबार होगी। अच्छा, यहाँ पे तो काफी मेहनत कर रहे हैं। कैंडी का माल जो मैंगो ऑरेंज तो फैटने के लिए, ये फैटने के लिए होगा। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार आपका स्वागत दोस्तों। आज मैं हूँ चंपानगर अपने होम टाउन, और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ। टाउन में क्या है कि यहाँ पर ना एक आइसक्रीम फैक्ट्री खुली गई है, और जितना भी यहाँ पे जो इलाका है पूरा कवर कर रखा है इन्होंने, और वो क्या क्या यहाँ पर आइसक्रीम बनता है और वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अंदर की तरफ। शक्ति आइसक्रीम एंड जनरल स्टोर चंपानगर, तो दोनों ओनर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि यहाँ की एक वीडियो बनाऊँ, कैसे आइसक्रीम बनती है, किस क्वालिटी की बनती है, तो वो सारा आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ और चक्के खाने वाला भी हूँ। तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं। तो ये हैं ऑनर और ये हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी दे रखा है, और आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आइसक्रीम के बॉक्स हैं, तो ये वितरण के लिए रखे हुए हैं। जैसे गाड़ी में अगर ये सप्लाई करते हैं तो इन बॉक्सों में जाता है, इन बॉक्सों में सप्लाई करके जाते हैं। तो यहाँ पर हैं दीदी, और यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, और भाई साहब से मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो इनका नाम है ललित सिंह घुगत्याल जी, और दीदी को नमस्कार। नमस्कार। और दीदी आपका नाम क्या है? बसंती देवी। हाँ, बसंती देवी जी। तो पहले ये लोग अल्मोड़ा में रहते थे, और अब इन्होंने बोला कि चलो अपने घर में ही होम टाउन में ही अपना रोजगार चलाएं, तो यहाँ पर इन्होंने आए। और इनके आइसक्रीम कल मैं भी ले गया था ना, बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग इनके पसंदीदा बन चुके हैं जो इनके आइसक्रीम खाता है, क्योंकि आइसक्रीम में काफ़ी मेहनत भी लगती है बनाने में। और कैसे बनते क्या थी वो सब आपको आज डिटेल बताने वाला हूँ। तो फिर फिलहाल बात करते हैं ललिता से। तो ललिता, कितने साल हो गए आपको आइसक्रीम बनाते हुए यहाँ पे? 5 साल। 5 साल से बना रहे हो यहाँ पे? 5 साल। तो क्या क्या आइटम आप यहाँ पर बनाते हैं जरा सा? हम उसके बाद आइसक्रीम की लगभग सारी क्वालिटी बनाती है, जैसे चोकोबार हो गई, चोकोबार हो गया, हाँ, और क्या कहते हैं कोरेंटो कोन हो गई, कोरेंटो कोन भी अच्छा, कप हो गए, और कुल्फी हो गई, मावा कुल्फी, अच्छा, मैंगो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, और कप भी बनते हैं, मटके बनते हैं, अच्छा। और क्या फैमिली पैक बनते हैं, अच्छा, वृक्ष बनते हैं, शॉप्टी गेलन, वो ड्राई फ्रूट्स वाला भी बनाते हैं आप यहाँ पे? डिमांड पे, जैसी आएगी वैसे बनाते हैं। अच्छा, डिमांड पे। तो शादी ब्याह भी ये भी सब आपके पास? शादी ब्याह में भी जाता होगा सब सामान? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि शादी ब्याह में जो आइसक्रीम जो भेजते हैं, तो उसकी कीमत अलग होती होगी या कैसे, किस रेट के हिसाब से? जिस हिसाब से आदमी की डिमांड होगी, वो काजू किशमिश वाला बनाएगा तो काजू किशमिश वाली होगी, शादी जाएगा तो शादी बनेगी जी, और खाली ये बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी या मैंगो फ्लेवर खाएगा तो उसी फ्लेवर की बनेगी, फ्लेवर बनता है जैसी उसकी इच्छा होगी उस प्रकार। तो आप अपने यहाँ पे खुद ही अपने हाथ से बनाते हो? अपने हाथ से बनाते हैं। एक बार कौन कौन से आइसक्रीम बनाते, क्या क्या उसके रेट होने वाले मुझे बताएंगे आप? आइसक्रीम 5 से शुरू है हमारे पास। अच्छा, 5 रुपए से स्टार्ट है? 5 रुपए से 10 रुपए, अच्छा, 15 रुपए, अच्छा, 20 रुपए, फिर फैमिली पैक 80 रुपए, 60 रुपए, अलग अलग क्वालिटी अच्छा, के अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद 4-450 रुपए, अच्छा, और फिर हम क्या करते हैं कि बॉक्स बनाते हैं, अच्छा, तो उसमें जो है 30 आइसक्रीम रखते हैं चोकोबार के, अच्छा, तो दुकानदार को हम उसको 250 रुपए में देते हैं, उसमें 300 रुपए की बिक्री होती है। तो ये वीडियो भी मैं कुछ दुकानदारों के लिए बना रहा हूँ कि ताकि भी इसको देखें, और वो लोग भी आपके दुकान से यहाँ से, हम यहाँ से देघाट से लेके मतलब ये नाचुला हो गया, चकुटिया हो गई, ये चकुटिया भी जाते हैं, बुंगीधार, जगतपुरी, अच्छा, थलीसेन, यहाँ पूरी एरिया जो है हम कवर करते हैं, पूरा कवर करते हो आप? अच्छा, पिछले साल जब मैं वहाँ गया था, वो तुम्हारा पीठा शरण गया था, तो वहाँ भी उतार के चंपानगर वाले आए थे, अच्छा, वहाँ भी वो पूरा कवर करते हैं, ज्यादा गढ़वाल की मार्केट, उससे आगे थलीसेन भी जाते हैं, और इधर को बिकासन साइड भी जाते हैं? बिकासन साइड नहीं जाते, वहाँ तो बहुत बाहर वाले आते हैं, इसलिए हम अपने लोकल सप्लाई नहीं पाती, सप्लाई नहीं, और उतना हमारे पास जो है वो नहीं है ना, अच्छा, मेन पावर नहीं है। और तो धीरे धीरे करके जैसे ये कार्य आपका चल रहा है, तो इसको और आगे बढ़ाते जा रहे होंगे आप? बढ़ रहा होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो लोकल प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम लोकल दूध भी यूज करते हैं, अच्छा, लोकल जो हमारे गांव का जो दूध आता है, करीबन 4-5 लीटर पर डे का दूध लगा रखा हमने, अच्छा, तो जैसे हमारा 20 लीटर हो जाता है, हम उसको बना के जो है लोकल दूध का भी बनाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है, और यहाँ लोकल के लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। चलो दीदी, काम करते हैं, बातें कम करते हैं, आप चलते हैं अंदर की तरफ, जरा मुझे एक बार अंदर दिखा दीजिए आप। तो ये है गाइज, और मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर ये साथ साथ में ना जनरल स्टोर की दुकान भी चलाते हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आके कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और ये यहाँ पर जैसे ये बड़े बड़े बॉक्स हैं, और इसमें भी आइसक्रीम जो है क्या कहते हैं इनके बने हुए रखे होंगे, इसमें देखो अब इसमें सारे
ये कौन बना रखी, ये दुकान के लिए 25x15 की कौन है ये? अच्छा, और ये जो है 5 रुपए वाली कुल्फी है, 10 रुपए वाला काफी है। अच्छा अच्छा, ये चॉकोबार बना के हमने रखी है ये। अच्छा, ये आपने जो है चॉकोबार बना रखा है आपने? ये वाली पेस्ट लगा के रखा है। अच्छा, ये पेस्ट लगा के ये। अच्छा, ये है बढ़िया बात। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आइसक्रीम इसको तो मैं खा लेता हूँ अभी। आप इधर दिखाते हैं, दिखाते हैं। स्वाद तो बड़ा गजब है भाई, मज़ा आ गया। तो जैसे मैंने ये आपका चॉकोबार ले ली, मैंने ले रखा है, तो इसमें कच्चा मतलब गजब का स्वाद है इसमें, अच्छा लग रहा है। फैंटास्टिक, अच्छा लग रहा है, मज़ा आया। ये मावा कुल्फी बन रही है। अच्छा, ये मावा वाली कुल्फी है, ये भी दूसरी बनता होगा? हाँ बिल्कुल, प्योर दूध और वो क्या कहते हैं, खोया। खोया। तो गाइज ये है खोया से बना हुआ मावा वाला कुल्फी, बहुत बढ़िया किस्म, बहुत बढ़िया सुंदर। तो क्वालिटी की तो इनकी मतलब पूछो मत, क्वालिटी बहुत सारी क्वालिटी इनके पास है। और जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे आइसक्रीम तो मैं नहीं खा सकता, पर एक अभी खाया मैंने यहाँ पर, कल मैं घर के लिए भी ले गया था, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप देख सकते हैं सेम, जैसे मैं दिल्ली के अंदर मदर डेयरी के मिलते हैं ना, तो सेम ये आपका क्वालिटी भी भूल जाएंगे आप और मदर डेयरी भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो आइसक्रीम है बहुत बढ़िया है। ये है 20 रुपये वाली, वाह, ये भी 20 रुपये का। अच्छा, ये 20 रुपये वाली मटका, मटका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सी आइसक्रीम बिकती है आपके यहाँ पे? हमारी ये 20 रुपए वाली कोन होगी और चॉकोबार होगी। अच्छा, ये बिकती सबसे ज्यादा? हाँ, जो आप खा रहे हो चॉकोबार, और ये बच्चे ज्यादातर यही पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये है फैमिली पैक जो आप कल घर को लेके। हाँ, कल घर लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद है इसमें, बहुत बढ़िया। ये है बड़ा वाला ब्रिक्स, जैसे शादी ब्याह में जब हम ले जाते हैं ये। अच्छा, ये वेट कितना है इसका? इसका वेट का हिसाब नहीं था, वैसे लीटर के हिसाब होता है। अच्छा, लीटर के हिसाब से 5 लीटर। अच्छा, ये इसका रेट कितना हुआ? इसका रेट है 400 रुपया। 400 रुपये ये उनके लिए हुआ, दुकानदारों के लिए। तो वो उसको कितने का बेचेगा इसको? इसमें कम से कम 500-600 रुपये बनाएगा। अच्छा, 600 रुपये बनाएगा। अच्छा, वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया। तो ये थे यहाँ के आइटम, और बाकी दुकानों के लिए पैक कर रखे हैं, पूरी पेटियां दुकान में जाती है, ये थोड़ा सारा गत्ते के रखा है अपने सारे। तो गाइस देखते हैं, डिमांड काफी है या गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो अभी से इनके पास डिमांड जो है काफी आने लगे हैं। और जैसे ये भैया बता रहे थे कि पूरा पौड़ी गढ़वाल और गढ़वाल के साइड पूरा कवर करते हैं ये लोग, तो अब कहाँ बनता है वो मशीनें मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर की तरफ। एकदम सफाई है, एकदम हर चीज़ में यहाँ पे। तो जैसे कि बड़े बड़े यहाँ पे फ्रिज है रखे हुए हैं, और ये है मशीन, और जैसे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये काफ़ी हाइस्ट के मशीन है, और ये मशीन लगा रखे हैं, तो काफ़ी जो इनका कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। और क्योंकि मुझे पता है, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली में एक बार आइसक्रीम फिर साया हुआ था, वहाँ देखा था मैंने, तो ये है यहाँ पर। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं यहाँ पर, और तब जाके आइसक्रीम इनकी बनती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आइसक्रीम के जो स्ट्रक्चर यहाँ पर खांचे हैं बने हुए, तो यहीं पर ये बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैं इतना टाइम आपको दे नहीं सकता, जो भी है यह बनाते हैं, सारा मैंने आपको दिखा दिया। इसमें क्या बनता है? कैंडी का माल, जो मैंगो ऑरेंज, मैंगो ऑरेंज, तो वो इसमें बनता है। हाँ, इसके अंदर। हाँ, ये दूध वाला माल इसमें बनता है, दूध वाला माल इसमें बनता है। वाह, ये मशीन जो है फैटने के लिए, ये फैटने के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर जी, वाह मजा आ गया जी आपके हाथ देख के, ये आइसक्रीम खा के भी बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं बाहर। तो गाइज मैं आपको एक एक करके सारे आइटम इनको दिखा रहा हूँ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उनके रिटेल भी दिखाता हूँ आपको, पहले रेट दुकानदारों के लिए क्या रेट है, और यहाँ पे जो बिक्री का रेट था वो क्या रेट है। अब जितने भी आइटम तुम्हारी दुकान में है वो सारे आप यहाँ पे निकाल दिए आपने एक एक करके सारे पीस। तो आप जो सारे सैंपल दिखा रहे हो एक एक करके, ये ठीक है। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है इसका? इसका चॉकोबार। ये चॉकोबार है? तो ये चॉकोबार जो मैंने खा, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट अच्छा है। तो एक पीस ये कितने का बिकता, बिक जाता है ये? हम दुकान में तो 10 रुपए का ही बेचते हैं। अच्छा, और जो दुकानदार है उसको हम 8 रुपए का देते हैं। उसको 8 रुपए का, यानी 2 रुपए का मार्जिन इसमें मिल जाता है दुकानदार को, घर तक पहुंचाते हैं, उसके घर तक पहुंचाते हैं। और ये ऐसी ये है 10 रुपए वाला कप, ये 10 रुपए वाला कप है, ये वही मिल्की वाला हो गया, मिल्क वाला, ये जो है 8 रुपए का देते हैं उसको, उसको, और वो 2 रुपए उसमें अपना मार्जिन। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम है कप, कफ 10 रुपए वाला, ये छोटा वाला कफ है 5 रुपए वाला। अब 5 रुपए में भी आइसक्रीम मिल रहा है, देख लो कितना बढ़िया जो है। और इसमें जो है ये खोल के देख सकते हो आप इसको, नहीं नहीं खोलना क्या है, ये बहुत बटर स्कॉच बना रखा है, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत बढ़िया। और ये जो है 4 रुपए का लगाते हैं दुकानदार को, 4 रुपए लगाते हैं दुकानदार को, 1 रुपया इसमें ये मिल जाता है दुकान में। हम ये है कौन 10 रुपए वाली, ये 10 वाली कौन है, ये भी आप 8 रुपए का
8 रुपए का दुकानदार को देखे दो रुपए उसमें से कमा लेगा। हाँ। तो अगर कोई बंदा आपके दुकान से खरीदता है तो उसको हम दस क्योंकि हम दुकानदार की जो है वो नहीं करना चाहते। सही बात है। और ये है 20 रुपए वाली कौन? अच्छा, ये 20 वाला कौन है? हाँ, दुकानदार को 15 की देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं 20 वाला कौन मिलता है। और ये कितना है दुकानदार? 15 रुपए का 5 रुपए इसमें मिला उसको। आप वेरी नाइस यार। और ये है 5 रुपए वाली कुल्फी। अच्छा, ये शीशे के अंदर क्या? नहीं, अच्छा 5 रुपए वाली कुल्फी है। अच्छा 5 वाली कुल्फी। अच्छा, एक नंबर दिखाता हूँ, एक बार खोल के दिखाना, ऊपर निकाल के दिखाना। ये दूध वाला होगा? दूध वाला ये है। तो ये है 5 वाला कुल्फी, बहुत ही बढ़िया, जो दूध से ये बनाते हैं, बहुत बढ़िया। और ये 4 रुपए की दुकानदार को लगती है। 4 रुपए की दुकानदार को लगती है। ये है मावा कुल्फी। हाँ, ये इधर पैक करेंगे। और ये वाली है मावा वाली। तो ये कितने का हुआ? ये दुकानदार को हम जो है 8 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, 10 रुपए की बेच रहा है, चाहे वो 15 की बेचे, वो उसकी मर्जी है। अच्छा 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 ये है ब्रिक। ब्रिक, अच्छा ब्रिक ये हुआ। हाँ, तो अच्छी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये 60 रुपए का हम दुकानदार को देते हैं। अच्छा, वो 100 रुपए में बेचे, 80 में बेचे, वो उसकी मर्जी है। और जो हमारी दुकान से लेता है उसको हम 80 में बेचते हैं। तो ये हाफ लीटर में हुआ? नहीं, एक लीटर। एक लीटर में हुआ। इससे हाफ लीटर में अभी बनानी है, बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, फैमिली के लिए। मटके देखने में बहुत सुंदर, लुक अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया। ये मटका वाला ये कितने का हुआ? ये 15 का बेचते हैं दुकानदार को, 20 का वो बिकता है। 20 का बिकता है, ठीक है, दुकानदार को अच्छा मार्जिन मिल रहा है इसमें। 5 रुपए का ये 5 रुपए का हुआ। हाँ। तो स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर है ये 5 रुपए का आपको यहाँ पर मिलेगा आपको। और अगर दुकानदार को बेचते हैं तो वो कितने का जाएगा? 4 रुपए का। ये ऑरेंज फ्लेवर। अच्छा, फ्लेवर आपके पास सारे हैं? फ्लेवर सारे बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत है, उसके बाद जो है पूरे फ्लेवर बनते हैं। ये कितने का हुआ? ये भी 4 रुपए का। ये भी 4 रुपए का। कच्चा आम और मैंगो, स्ट्रॉबेरी, मतलब कोई भी फ्लेवर ऐसा नहीं है जिसको नहीं बनाते हैं। सारे फ्लेवर, कोको कोला, सब फ्लेवर बनाते हैं। ये है एक ब्रिक। अच्छा, एक ब्रिक ये है। अच्छा, ये जो है हम दुकानदार को 250 रुपए का देते हैं। दुकानदार को 250 रुपए का देते हैं, और 300 रुपए में, 400 रुपए में, मतलब जैसे किसी को घर के लिए जो ले जाता है, जिसकी फैमिली बड़ी होती है उसके लिए है। उसके लिए। हाँ। और ये कितने का बैठा था? ये हम 250 रुपए का। 250 रुपए। हाँ। और दुकानदार के लिए 250 हुआ है? हाँ, दुकानदार के लिए 250। वो चाहे इसको 300 बेचे 400 बेचे। हाँ, वो फैमिली के लिए। फैमिली के लिए। और ये है बड़ा वाला ब्रिक, ये 400 रुपए का बेचते हैं। 400 रुपए। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ये इसको जैसे बड़ा जिसका परिवार है वो भी ले जाते हैं, और शादी ब्याह में भी जाता है। शादी ब्याह में इसमें कटोरी में निकाल के जो है यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो गाइस ये था, तो मैंने आपको जो है ना एक एक करके सारी क्वांटिटी आपको दिखा दी। अब रही बात यहाँ का फ़ोन नंबर का, और अगर आप भी यहाँ से अपना आइसक्रीम अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ का नंबर दे दूँगा, और लोकेशन मैं यहाँ का दे दूँगा आपको, और यहाँ का जो भी है। और तो आप यहाँ पर आके चंपा नगर में जैसे कोने पर आते हैं ना, चंपा नगर जैसे स्टार्ट होता है दिघाड़ से आते हैं, तो वहीं पर ये कोने पर ये दुकान है, शिव शक्ति आइसक्रीम स्टोर, ये चंपा नगर में। तो यहाँ पर आके आप ले सकते हैं। और वैसे मैं आपको अभी दीदी नंबर बताएंगे अपना, तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं और उनको फ़ोन कर सकते हैं। तो दीदी एक बार बताइए मुझे, आप अपना नंबर बताना यहाँ का। यहाँ का 9639393939390840। ये फोन आप उठाएंगी? नहीं, ये भैया उठाएंगे। हाँ, उठाएंगे। ये नंबर इनका है। हाँ। और अपना भी नंबर दो। 6363979745479744। ये नंबर इनका है, तो एनी टाइम ये नंबर आप जो है कर सकते हैं, और अपना यहाँ से जो भी आइसक्रीम अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। तो बहुत ही नज़दीक का है चंपा नगर में, हमारे उत्तराखंड में, और यहाँ से खरीदें और इनका हौसला भी बढ़ाएं, और ताकि आप लोग को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, घर घर जाकर ये आइसक्रीम दे के आते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।